हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th. होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री. सो बेटा, सबसे पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या है. सबसे पहले तो हम इसको डिटेल देखते हैं, इसकी क्या है मीनिंग, क्या है ट्रिगोनोमेट्री का. तीन वर्ड्स है बेटा ये. एक वर्ड है ट्राई, एक है गॉन और एक वर्ड है हमारा मेट्रॉन. ट्राई मींस, आपको पता है ट्राई मींस तो थ्री होता है, एंड गॉन मींस होता है बेटा एंगल्स, और मेट्रॉन का मतलब है मेजर, मतलब जिसमें हम तीन एंगल्स को मेजर करेंगे. It means it is the study of triangles. Triangles की study करनी है. किस चीज के बारे में? With the measurement of their angles. उनके angles के measurement के साथ triangles की study करनी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ट्रिगोनोमेट्री हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही पढ़ते हैं बेटा. कैसी ट्राइंगल में पढ़ी जाएगी? राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम इसको स्टडी करेंगे, और किसी ट्राइंगल में स्टडी नहीं करेंगे. अब राइट एंगल ट्राइंगल होती किस टाइप की है? मान लीजिए हमने ये ट्राइंगल ली बेटा. ट्राइंगल इज ए बी सी. This angle B is 90 degree. Means in triangle ABC हम सबसे पहले mention करते हैं कौन सा angle 90 degree का. Angle B 90 है, it means BC तो हमारे पास base है, AB हमारा perpendicular है और AC हमारा hypotenuse का काम करेगा. This AC is the hypotenuse. Okay students, ये तीनों ही चीजें हमें क्लियर है. ये सारा हमारा पुराना वर्क है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है ये समझते हैं, जो हमारा इस चैप्टर का नया वर्क शुरू होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. What are the trigonometric ratios? और trigonometric ratios कहाँ इसको जाते हैं? देखिए, the ratio involving कौन सी ratios? द रेशो इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, वो रेशो जो ट्राइंगल की साइड्स को इन्वॉल्व करें, आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, और यू कैन से टी रेशोज. इसी को हम बेटा टी रेशोज भी बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज या फिर टी रेशोज. और कितनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज हैं? देयर आर 6 टी रेशोज. 6 टी रेशोज हैं. एंगल्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द एंगल्स ए एंड सी. देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू द एंगल्स ए एंड सी. तो पहले अब हम इन 6 की 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जान लेते हैं, उसके बाद हम अपना नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे. देखिए कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज और क्या क्या उसकी वैल्यूज है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा साइन ए. ट्राइंगल मैं यहां दोबारा बना लेती हूं. दिस इज एंगल बी, ये मैंने ए ले लिया है, ये मेरा सी. साइन ए, तो जो साइन है हमारा वो होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो इसकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है. इसको समझिए,
कैसे लर्न करेंगे, इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, मीनिंग को समझिए बेटा। इस तरह से देखिए हम इसको लर्न कर रहे हैं, यानी पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी। हमने क्या किया, इसके फर्स्ट फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लिख लिया है। तो पी बाय एच हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी बेटा, वो होगी साइन में, ये होगी हमारी कॉस में, और ये रहेगी हमारी टेन के अंदर। तो इसी से हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को लिखा है। तो साइन ए हमारा है पी बाय एच, और कॉस ए की बात की हमने, तो कॉस ए हमारा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूस, एंड टेन ए इज पी बाय बी। अब हमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ ली हैं, अब हम रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियोज, कौन सी टी रेशियो किसकी रेसिप्रोकल है वो देख लेते हैं बेटा एक बार। तो जो कॉसेक ए है वो वन बाय साइन ए, यानी कॉसेक ए क्या है, वन बाय साइन ए, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये है एच बाय पी। अब हम सेकंड की बात करेंगे, यानी कि सेक ए, इसको हम लिखेंगे वन बाय कॉस ए, यानी ये कॉस का रेसिप्रोकल है। और कॉस की वैल्यू क्या है, बी बाय एच, तो इसकी क्या हो जाएगी एच बाय बी। एंड द थर्ड वन इज कॉट ए, कॉट है हमारा टेन का रेसिप्रोकल, तो वन बाय टेन ए। मीन्स क्या करेंगे, वन बाय टेन टेन ए को क्या लिखेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी बी बाय पी। दीज आर द रेसिप्रोकल टी रेशोज ऑफ, साइन की रेसिप्रोकल है कॉसिक, कॉस की रेसिप्रोकल है सेक, और टेन की रेसिप्रोकल वैल्यू है कॉट ए। इस तरह से ये तीनों हमारी क्या रहेंगी, रेसिप्रोकल वैल्यूज रहेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज सीखते हैं, जो टेन ए है हमारा और एक वैल्यू है कॉट ए, इसको हम और भी डिटेल से लिख सकते हैं। टेन ए होता है साइन ए बाय कॉस ए, एंड कॉट ए हमारा रहता है कॉस ए बाय साइन ए। चाहे तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। किस तरह से प्रूव करेंगे, साइन ए, हमने साइन ए की क्या वैल्यू लिखी है, पी बाय एच, और कॉस ए हमारा बी बाय एच। देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन ए। तो टेन वैल्यू आ गई, देखिए साइन ए बाय कॉस ए से, और कॉट में लिखेंगे तो पहले कॉस की लिख लीजिए और फिर लिख लीजिए साइन की। एच से एच आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आया ये बी बाय पी, और बी बाय पी होता है हमारा कॉट ए। तो ये भी हमें साथ साथ याद रखने हैं। जितनी भी बेटा हमने ये टी रेशोज इसके अंदर पढ़ी हैं, ये सभी टी रेशोज हमारे काम आने वाले हैं, तो इनको ध्यान रखना है। कौन सी टी रेशो इसके अंदर, ये कॉट ए वाली टी रेशो, यानी इनको हमें लर्न रखना है कि किसकी रेसिप्रोकल रेशो कौन सी है और उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि हम उन वैल्यूज को अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो दीज टी रेशोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के साथ साथ हम एक्सरसाइज की डिटेलिंग भी पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक्सरसाइज में किस तरह से हम अपने रेस्पेक्टेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले टी रेशोज की प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप टी रेशोज को सीख लें। चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 8.1। Thank you.
एक्सरसाइज 8.1 एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें कहता है इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में राइट एंगल एट B, ये आपको क्वेश्चन में फिक्स करके दिया जाएगा कि राइट एंगल किसके ऊपर बनाना है। एट B AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, दिस BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A, डिटरमाइन साइन A कॉमा कॉस A, साइन C एंड कॉस C। देखिए बेटा पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं और फिगर की हेल्प से फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में इस तरह से हमने ये साइड्स ले ली। राइट एंगल एट B, तो ये मैंने पॉइंट ले लिया है C और ये ले लिया है A। BC 7 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर। तो इसमें बेटा सबसे पहले तो हम AC साइंस फाइंड आउट करेंगे फिर आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, AC square is equal to AB square plus BC square। हाँ जी, AB square means 24 square plus BC square means 7 square। इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, 576 plus 49 ये आ जाएगा 625 और ये हमारा 25 का स्क्वायर मीन्स AC square is equal to 25 square and we can say AC is equal to 25 centimeter। तो सबसे पहले तो हमें सभी questions में क्या find out करना है, hypotenuse find out करना है, यानी तीनों ही ratios आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इन values के साथ find out कर सकें। Okay students, now let us see। हम find out करते हैं sin A and cos A। साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा, पी बाय बी, पी ए, दिस ए इज द बेस एंगल, तो पी मींस परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर इसका है बी सी और बेस है, सो दिस इज पी बाय एच, एच इज ए सी, 7/25 एंड कॉस ए इज बी बाय एच यानी बेस, बेस इज ए बी by AC, AB is 24 and AC is 25 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं साइन C और cos C। जब हम साइन C लेंगे बेटा तो बेस एंगल हमारा C पे रहेगा, इसका ध्यान रखना। जब हमने C लिया तो बेस एंगल हमारा C है, फॉर्मूला तो वही रहेगा P by H और ये B by H, लेकिन जब हम C लेंगे तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा यानी ए बी बाई ए सी, और C लेंगे तो बेस होगा बी सी, इसको हम लिखेंगे बी सी बाई ए सी एंड द वैल्यूज आर 24/25 और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 7/25। यानी मेन बात क्या है, आपके एंगल के अकॉर्डिंग, यानी ये जो एंगल है आपका, ये जो A एंगल है, ए एंगल है तो बेस हमने ए बी लेना है। जब आपका एंगल ए की बजाय सी हो जाएगा बेटा तो हमारा जो बेस है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बी सी बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आप प्रॉपर वैल्यूज पर पहुंच सकें। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड आवर नेक्स्ट टाइप इज नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, अगर साइन ए हमारा 3/4 है देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कैलकुलेट करेंगे आप कॉस ए और टेन ए को,
तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बेटा? सबसे पहले फिगर बनाएंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है, ए यानी ए एंगल आप यहाँ लेंगे तो इसको मैं बी ले सकती हूँ, इसको सी ले सकती हूँ। अब जब मैंने लिखा कि साइन ए इज 3/4, तो साइन हमारा होता क्या है? साइन होता है हमारा पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मीन्स परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो आप क्या ले सकते हैं बेटा, जो बी सी साइड लेंगे, ये रेशो दे रखी है, तो आप साइड कैसे ले सकते हैं? बी सी को 3k ले लिया, ए सी को मैंने 4k। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम, तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज 4k स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और बी सी स्क्वायर है हमारा 3k स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एंड दिस ए बी स्क्वायर इज 7k स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 7k, तो ए बी की वैल्यू अब हमारे पास 7k आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस ए और टेन ए, तो हम कॉस ए लिख लेते हैं और टेन ए का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस ए क्या बनेगा हमारा? कॉस ए होता है बी बाय एच। अब ए है बेस, तो ये बन जाएगा ए बी बाय ए सी, और टेन होता है पी बाय बी, ए एंगल है तो परपेंडिकुलर बी सी, और बेस ए बी। वैल्यूज रख देते हैं अब इसके, ए बी यानी 7k बाय 4k मीन्स 7/4, रूट 7/4, एंड बी सी इज 3k बाय ए बी, ए बी इज रूट 7k, तो यहाँ भी के से के कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 3/√7। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ताकि बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं, आप रिलेटिवली क्वेश्चन नंबर 5 तक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।